विधानसभा चुनाव में भाजपा 163 लाती है, लोकसभा चुनाव में 29 की 29 क्लीन स्वीप कर देती है। क्या वजह है कि कांग्रेस की ये गत हुई है? जब तक सामूहिक फैसले नहीं होंगे और समितियों के माध्यम से पार्टी को हम नहीं चलाएंगे, बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक, तब तक हमें जो अपेक्षित परिणाम है ये आने की संभावना कम है। कुछ लोग कुछ नेताओं से जुड़े हैं, अब जो नेताओं को चाहिए कि जरा नीचे जाके कार्यकर्ताओं से चर्चा करें, उनसे मिलें, उनसे बात करें। और ये समितियां जो हैं इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने अभी तक पूछा तक नहीं है, जिन्होंने बरसों तक चुनाव लड़वाए, बुजुर्ग हो गए, आज तक मौका नहीं दिया, उनको टिकट नहीं मिला। दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह हमारे साथ हैं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, विधानसभा चुनाव में भाजपा 163 लाती है, लोकसभा चुनाव में 29 की 29 क्लीन स्वीप कर देती है, क्या वजह है कि कांग्रेस की ये गत हुई है? देखिए, मैं अभी जैसा मैंने कहा और पहले भी कहा है, हमेशा कह रहा हूं कि जब तक सामूहिक फैसले नहीं होंगे और समितियों के माध्यम से पार्टी को हम नहीं चलाएंगे, बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक, तब तक हमें जो अपेक्षित परिणाम है उनके आने की संभावना कम है। तो आप कह रहे हैं सामूहिक फैसले नहीं होंगे, मतलब अभी भी कांग्रेस में गुटबाजी है? गुटबाजी का सवाल नहीं है, गुटबाजी का सवाल नहीं है। कुछ लोग कुछ नेताओं से जुड़े हैं, अब जो नेताओं को चाहिए कि जरा नीचे जाके कार्यकर्ताओं से चर्चा करें, उनसे मिलें, उनसे बात करें, बूथों पर कमेटियां बने, जिलों में कमेटियां बने, ब्लॉक में कमेटियां बने, प्रदेश में कमेटियां बने। और ये समितियां जो हैं इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने अभी तक पूछा तक नहीं है, जिन्होंने बरसों तक चुनाव लड़वाए, बुजुर्ग हो गए, आज तक मौका नहीं दिया, उनको टिकट नहीं मिला, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों को हम निकालें और इनको समितियों में लें और फिर जो निचोड़ आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी से, कांग्रेस इतनी मजबूत होगी और बीजेपी को अगले चुनाव में बुरी तरह हराएंगे। अच्छा, जीतू पटवारी को लेकर आपने कहा दिल्ली में बैठा कोई, आपने कहा ये कब अपने पैरों पर खड़े होंगे, इस पर हमने जीतू पटवारी से भी पूछा, उन्होंने कहा मेरे लिए सीख है। हाँ जीतू, मेरा उसके प्रति बहुत स्नेह मैं रखता हूँ और उसको बचपन से जानता हूँ, एक बहुत ही जुझारू नेता है, पर उसको भी चाहिए, उसको अध्यक्ष बनाया है पार्टी ने, बहुत बड़ा विश्वास उसमें व्यक्त किया है और उसको चाहिए कि वो अभी अपना दायरा बढ़ाए और समितियों का गठन करे और समितियों में सबको रखे और सबकी सब समितियों की राय लो, सब समितियां जो सुझाव देंगी, अरे भाई संसद भी है वो समितियों पे चलती है, पूरे दुनिया की संसद। इशारा कर रहे हैं कि अभी जो फैसले हो रहे हैं वो कुछ लोगों के द्वारा हो जा रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, इसीलिए उनको बढ़ाना पड़ेगा। हिंदुस्तान का दुनिया की पार्लियामेंट असेंबली, स्टेट असेंबली, ये समितियों की रिपोर्ट के आधार पर कानून बनते हैं और उस समिति में जो सांसद विधायक होते हैं उसमें अपनी राय देते हैं और उसका एक निचोड़ निकलता है। और अच्छा, जहां हम खड़े तरह उसी पैटर्न पे हमको अपनी पार्टी को चलाना पड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हम मौजूद हैं, पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वास्तु के हिसाब से परिवर्तन हो रहे हैं, कमलनाथ ने कुछ परिवर्तन कराए, जीतू पटवारी कुछ और परिवर्तन करवा रहे हैं, तो वास्तु पर डिपेंड है क्या कांग्रेस? अरे वास्तु पे दुनिया डिपेंड है तो कांग्रेस क्यों नहीं डिपेंड हो? अब कांग्रेस भी डिपेंड है, हम भी वास्तु में विश्वास रखते हैं, हमारी बहुत प्राचीन वास्तु कला है, वास्तु शास्त्र है और इस पे हम विश्वास रखते हैं। दो सवाल और, एक पहला ये कि आपने कहा कि हम केंद्र की सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, बनी बनाई सरकार जो मध्य प्रदेश में थी उसे बचा नहीं पाए, इससे अच्छा है कि आगे की सोचें? देखिए, जो मैंने कहना था कह दिया और पार्टी ने संज्ञान में भी लिया है। देखिए, जो गिराने वाले थे वो तो भाजपा में चले गए तो गिराने की ना सोचे हम अपने आप को मजबूत करें, अपने संगठन को मजबूत करें और मैं समझता हूँ कि अगले लोकसभा चुनाव में हम सरकार बनाएंगे, दावे से बनाएंगे और यहाँ तो निश्चित रूप से बनाएंगे। एलन मस्क के ट्वीट के बाद ईवीएम पे नई बहस छिड़ गई है, इसको लेकर आपका क्या राय है? देखिए, एक मेरी समझ में नहीं आता कि एलन मस्क के एक ट्वीट पे हम क्यों इतने विचलित हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में क्यों बहस छिड़ रही है। अभी वो जयपुर के सराफा बाजार के दो हमारे ज्वेलर्स, जयपुर का सराफा बाजार सैकड़ों हजारों साल से मशहूर है, वहाँ बिल्कुल प्योर सामान बिकता है, दो ज्वेलर्स के ऊपर एक अमेरिकन लेडी ने चार लगा दिया कि इसने नकली सोना बेच दिया। अब अमेरिकन लेडी पे भरोसा कर रहे हैं, इन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं।
वो ज्वेलर्स कह रहे हैं कि नहीं भाई हम क्यों नकली बेचेंगे, बरसों से बेच रहे हैं। तो ये एक जो परंपरा है कि कोई अगर विदेशी कुछ बोल देता है तो हमारे देश में एक भूचाल आ जाता, क्यों आता है, अरे कौन है ये विदेशी महिला? भूचाल इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने भी समर्थन कर दिया और ईवीएम पे आप लोग भी सवाल खड़े करते तो रहे हैं पहले से। नहीं, मैं तो कोई प्रतिक्रिया, मैं विदेशी जो लोग हैं वो अपने देश में देखें, हमारे देश का मामला हमारे देश का मामला है, हमें कोई सलाह लेनी होगी तो आपसे लेंगे। तो देश की जो ईवीएम है उसको लेके क्या कहेंगे? बिना बात के बिना पूछे कोई सलाह दे रहा है तो सुन काय को रहे उसकी ईवीएम पे। लेकिन आपका मत क्या है ईवीएम का? देखिए मेरा मत ये है कि उसकी एक प्रक्रिया है और हमें हमारी एजेंसियों पर, हमें हमारे हमारी सरकार जो भी है, जिस पार्टी की है, हमारी जो चुनाव की व्यवस्था है उस पर भरोसा करना पड़ेगा, उस पर भरोसा आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ईवीएम लाए हम हैं, ईवीएम कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई, हमने हमारे यूपीए समय में चुनाव हुआ ईवीएम का, तो हमें इस तरह की बात नहीं करनी। लक्ष्मण सिंह के तमाम मुद्दों पर हमसे बात की और सबसे बढ़िया इनकी ये है, इन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर विदेश में बैठे लोगों की बात पर चर्चा नहीं होना चाहिए और ईवीएम को जब कांग्रेस लाई है तो उस पर भरोसा भी करना चाहिए। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। विधानसभा चुनाव में भाजपा 163 लाती है, लोकसभा चुनाव में 29 की 29 क्लीन स्वीप कर देती है, क्या वजह है कि कांग्रेस की ये गत हुई है? जब तक सामूहिक फैसले नहीं होंगे और समितियों के माध्यम से पार्टी को हम नहीं चलाएंगे बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक, तब तक हमें जो अपेक्षित परिणाम है ये आने की संभावना कम है। कुछ लोग कुछ नेताओं से जुड़े हैं, अब जो नेताओं को चाहिए कि जरा नीचे जाके कार्यकर्ताओं से चर्चा करें, उनसे मिलें, उनसे बात करें, और ये समितियां जो हैं इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने अभी तक पूछा तक नहीं है, जिन्होंने बरसों तक चुनाव लड़वाए, बुजुर्ग हो गए, आज तक मौका नहीं दिया, उनको टिकट नहीं मिला।